नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के स्टूडियो हमने फिर से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सिलेबस 2020-21 से जो कटौती की गई है, तो नया ब्लूप्रिंट जो डिज़ाइन किया गया है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कौन सी चीज़ें क्या हैं और क्या चीज़ें कटी हैं, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है कि कक्षा 12वीं के इंग्लिश का है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो आपके डिमांड पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपका पेपर अगर होता है तो आपको पेपर में अगर समय रहेगा 3 घंटे का सॉल्व करने के लिए, जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका, और पूर्णांक होगा दोस्तों 80 नंबर का। तो मैं एक बार यहाँ से रीड कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग 30-40% कटौती पर आधारित है ये, कटौती पर वर्ष 2020-21 हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न पत्र का नवीनतम ब्लूप्रिंट है ये, एकदम लेटेस्ट है ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो यहाँ पर यूनिट और कंटेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलॉटेड मार्क्स अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 1 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो होगा ये यहाँ पर दे दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं, फिर शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए, फिर शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स के लिए, फिर लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स के लिए, एंड वेरी लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल इस तरह से मार्क्स हो जाएंगे आपके। फिर अगर ओवरऑल अगर बात करें तो कहाँ से कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये यहाँ पर डिस्कस होगा। अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने तो इसको हाईलाइटेड पॉइंट को देख लिया है, यहाँ पर क्रमांक नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से आपका जो रीडिंग कम्पोजिशन वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये जो है ना, ये रीडिंग कम्पोजिशन जो आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है, कंपैरिजन जो है वो इसका ही पार्ट का है, ठीक है। इसका ही ये सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो आपके 1 मार्क्स के लिए 5 होगा यहाँ से अनसीन पैसेज से। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि एक लाइन में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए, आपके 7 होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद अगर ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से परसेंटेज तो होगा दोस्तों 15% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन याद रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 12 होगा। नोट मेकिंग की बात करें तो नोट मेकिंग के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 मार्क्स के लिए या शॉर्ट आंसर वेयर से 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर यहाँ से आपका टोटल मार्क्स जो होगा 4 मार्क्स का, यहाँ से एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स से रहेगा नोट मेकिंग के लिए। और ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर तो 5% ये क्या करेगा, 5% क्वेश्चन यहीं से आ रहे वाले हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 1 होने वाले हैं, ओके। अगर समरी की बात करें, समरी एक बहुत बड़ी स्टोरी दी होगी, उसको समरी करके छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट को ही लिखना होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो समरी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का ये भी होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल जो मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स यहाँ से 4 होगा। और तो अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं, ये भी 5% ही यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन ऑफ 1। अब राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल एक सेकेंड यूनिट होता है आपका, खंड 12 जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बात करें तो राइटिंग स्किल से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 30 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। तो यहाँ पर नोटिस है दोस्तों, सबसे पहले बात तो नोटिस है, नोटिस आपका 1 आएगा जो कि 4 मार्क्स के लिए 1 होगा, ठीक है। अगर ये बात करें हम टोटल मार्क्स की, 4 मार्क्स होगा यहाँ से। अगर ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल यहाँ से 5% क्वेश्चन का ये भाग होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 1 है। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस कोई भी 1 आ सकता है, है ना, या अथवा में दोनों को दे सकता है, और में नोटिस या एडवर्टाइजमेंट को। तो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट दोस्तों यहाँ से सेम टू सेम रहेगा एडवर्टाइजमेंट का भी, है ना। 4 मार्क्स के लिए वो भी होगा क्योंकि ये नोटिस के ही साथ आ सकता है, नोटिस दे सकता है या एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, तो कोई 2 में से 1 देगा, इसलिए यहाँ पर इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की और खंड बी में, तो लेटर दिया है। लेटर दोस्तों आपका 1 आएगा 6 मार्क्स से लॉन्ग आंसर वेयर में, ठीक है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 6 होगा। टोटल जो क्वेश्चन का अगर ये क्या करेगा भाग है तो 7.5% होगा, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उसकी संख्या 1 होगी। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आंसर आएगा दोस्तों, 1 आएगा जो कि 10 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। और ये दोस्तों टोटल मार्क्स होगा 10,
और ये जो क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन के आंसर टोटल क्वेश्चन के नंबर का जो भाग है वो 12.5 है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए आएगा, वेरी लॉन्ग आएगा, है ना, वेरी लॉन्ग आंसर आएगा, वहाँ से 10 मार्क्स होगा ये, और टोटल मार्क्स होगा आपका 10, और जो टोटल अगर हम आंसर की बात करें टोटल नंबर्स का, ये 12.5% भाग है ये, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन सी में आपका टेक्स्ट बुक से आने वाला है, जो कि यहाँ भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखते हैं। दोस्तों हम टेक्स्ट बुक के अंदर 30 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे थे, तो यहाँ पर आपका फ्लेमिंगो और विस्टस से आपका आएगा, तो फ्लेमिंगो से आपको दोस्तों 8 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा, तो देख सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस में, और यहाँ से शॉर्ट आंसर भी आएगा 3 मार्क्स के लिए, सॉरी 3 क्वेश्चन होंगे आपके दो दो नंबर के, ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे आपके दो दो नंबर के, और लॉन्ग कंपोजिशन में लॉन्ग आंसर वेयर में एक आएगा। टोटल इसमें जो मार्क्स होगा दोस्तों 20 होगा फ्लेमिंगो से, और यहाँ पर ये टोटल जो नंबर का भाग होगा वो 25% होगा, और जो क्वेश्चन होगा वो 12 होगा, ठीक है। और विस्टस की बात करें तो यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस वाले तो 0 आएगा, एक भी नहीं आएगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए आप कि शॉर्ट आंसर वेयर से आपका दो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, और उसके बाद 6 मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से टोटल मार्क्स होगा 10 हो जाएगा, तो 80 मार्क्स में से ये 12.5% भाग ही प्रतिनिधित्व करेगा, और इसमें टोटल जो होगा दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होगा। तो इस तरह से आपने पूरा डिस्कस देख लिया होगा, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ घाटी के अनुभव को दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।